खवातीन हज़रात, तेरे बिन की आखिरी किस्त को यूट्यूब पे नशर हुए अभी 24 घंटे का वक्त नहीं गुजरा, लेकिन 17 मिलियन यूट्यूब के व्यूअर्स ने इस आखिरी किस्त को अभी तक वॉच किया है। खवातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हैं, आपको बताएंगे भारत के टॉप के चोटी की अदाकाराओं ने तेरे बिन की आखिरी किस्त पर डिफरेंट किस्म के क्या कॉमेंट्स किए हैं जो सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। आपको बताएंगे वहाज अली ने यमुना ज़ैदी का किस तरह शुक्रिया अदा किया है, इन दोनों ने तेरे बिन की कामयाबी पर क्या बताया है, ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। और ये भी बताएंगे सीज़न 2 क्या आने वाले दिनों में आप तेरे बिन का देख सकते हैं, तमाम तर डिटेल आज की वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख्वातीन हज़रात, जैसा कि आपने तेरे बिन की आखिरी किस्त देखी है, तमाम लोगों का शदीद इस वक्त कहना था और इंतज़ार था कि तेरे बिन की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए और इसी तरह हुआ। तेरे बिन की ज़बरदस्त एंडिंग हुई है, इमोशनल सीन भी थे, लेकिन लोगों का ख्याल था कि हया को इसकी किए की सज़ा मिलनी चाहिए थी, मज़ीद कोई 1-2 थप्पड़ ज़रूर उसे रसीद करने चाहिए थे। लेकिन ख्वातीन हज़रात, बाज़ का कहना था ड्रामों में थप्पड़ ही ज़रूरी नहीं है, सबक हो। ये बड़ा सबक था उसके लिए कि उसे घर से निकाल दिया गया। ख्वातीन हज़रात, आपको बताते चलें हिंदुस्तान के बड़े अदाकारों ने इस टॉप ड्रामे के ऊपर क्या कमेंट्स किए हैं, लेकिन पहले बड़ी न्यूज़ आपसे शेयर करते हैं। तेरे बिन सीज़न 2 क्या आने जा रहा है, आप इसे देख सकेंगे। लेकिन आपको बताते चलें इस वक्त वहाज अली और यमुना ज़ैदी ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया है। पहले ये वीडियो देखिए कि किस तरह यमुना ज़ैदी से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वहाज अली, जिन्होंने उनके हाथों पर नेल पॉलिश लगाई, जिसे यमुना ज़ैदी और वहाज अली ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करके लिखा कि हमें हमेशा याद रहेगी और गुड बाय भी कहा तेरे बिन के फैंस को। ख़वातीन हज़रात, इसके ऊपर आपको बताते चलें वहाज अली ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि यमुना ज़ैदी का हमेशा शुक्रगुजार रहा हूँ, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में और मुझे एक्टिंग सिखाने में और कहा कि एक्टिंग में आप कामयाब हो सकते हैं, मैं यमुना ज़ैदी का शुक्रगुजार हूँ, उसने हर मौके पर मेरी बेतहाशा मदद की है। ख़वातीन हज़रात, अब आपको बताते चलें इस वक्त तेरे बिन सीज़न 2 के हवाले से बातें चल रही हैं और आपको बड़ी न्यूज़ से आगाह करते चलें कि इस वक्त तेरे बिन सीज़न 2 के मुतालिक बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और जल्द ही इसे नशर शुरू कर दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिर है इसके ऊपर आपको कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ेगा जो एपिसोड इसकी टेलीकास्ट होनी है। ख़वातीन हज़रात, अब आपको बताते चलें इस वक्त भारत के चोटे की बड़े अदाकाराओं ने डिफरेंट किस्म के कमेंट्स किए हैं। अदाकारा करीना कपूर और सारा अली खान का कहना है तेरे बिन ड्रामे के अंदर यमुना ज़ैदी और वहाज अली की ज़बरदस्त अदाकारी देखकर मुझे बेनतहा खुशी हुई है कि पाकिस्तान में इस चोटी के अदाकार भी मौजूद हैं। जबकि आपको बताते चलें इस वक्त अक्षय कुमार का कहना है वहाज और यमुना ने साबित किया पाकिस्तानी ड्रामे भारत में बहुत मकबूल होने की बड़ी वजह इन दोनों की बड़ी अदाकारी थी और मुझे लगा हमारी फिल्मों से ज़्यादा ड्रामे पाकिस्तान के भारत में देखे जाते हैं। मुझे अच्छा लगा यमुना ज़ैदी के आखिरी इमोशनल सीन दोनों के और यमुना ज़ैदी के अदाकारी बेतहाशा पसंद की। ख़वातीन हज़रात, कमेंट्स बॉक्स में यमुना और वहाज के मुतालिक क्या आप एक लाइन कमेंट करना चाहेंगे, ज़रूर आगाह कीजिएगा।